हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ढाई ढाई के चार पीस हैं, ये मेरे तीन तीन इंच के तीन पीस हैं, और ये मेरे दो पीस हैं तीन तीन इंच के। ये मैंने एक पट्टी ले ली है जो कि 10.5 इंच की है, और 2.5 इंच वो 3 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये मेरा एक पीस है जो 8.5 इंच की इसकी लंबाई है, और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो मैं आपको ये सब सेट करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम इन दो पीस को उठाएंगे। ये हमारे दो पीस हो गए, और दो पीस हमने ये ले लिए वाइट वाले। अब हम इसको इस पर रखेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में सिलेंगे। तो मैं आपको पहले लाइन लगा के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइन लगा ली है, और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बीच की लाइन छोड़ के हम साइड साइड में सिलाई लगाएंगे, और इस बीच के हिस्से से हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं ये दोनों पीस सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनमें अपने दोनों पीस में सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम बीच में से कट करेंगे। तो मैं बीच में से आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब ये हमारे ऐसे डबल शेड के पीस तैयार हो जाएंगे। तो मैं दोनों पहले तैयार कर लेती हूँ, और इनको 2.5 इंच के हिसाब से इनको नाप के इनके कोने कट कर दूँगी। तो मैं आपको ये सब करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चारों पीस तैयार हो गए हैं। ये हमने ठीक तरीके से नाप लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। तो मैं इन सबको पहले सेट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर का सेट कर लिया है। अब इसको हम एक लाइन में सिलेंगे, और इसको हम एक लाइन में सिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड, पहले हम बीच के टुकड़ों को लेंगे ताकि ये थोड़ा इधर उधर ना हो जाए। तो ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। फिर हम इस पीस को इससे सिलेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, इसको पलट देंगे, फिर इसको उठाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। तो हमारी जैसे ही ऊपर की लाइन कंप्लीट होगी, ऐसे ही हमें नीचे की लाइन कंप्लीट करनी है। तो हम पहले ऊपर की लाइन सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम ऐसे ही इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पीस कंप्लीट हो गए हैं। आप क्या करेंगे, अब इसको इस पर रखेंगे, सिलाई को सिलाई पर जोड़ेंगे, और यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देंगे, और फिर पलट देंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, तो हम पहले पिनअप कर लेते हैं, फिर आपको सिल के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ बीच का सेंटर निकालेंगे। तो हम यहाँ इस पर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ सिलना है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मार्क हो गया है। अब हमें इस टुकड़े से, यहाँ से, इस कोने से इस कोने को मिलाना है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, हम इस कोने से इस पीस को यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेंगे। ये हमारी लाइन लग गई है। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, इसको बाद में हम कट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दो पीस हैं, तो हम इसको काट लेते हैं। इसको कट करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से रखना है, और यहाँ सिलाई लगा के इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारा नाव की शेप में आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। पहले हम पिनअप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पिन लगा ली है, और सिलाई के लिए लाइन लगा ली है। अब हम यहाँ सिलाई करेंगे, और यहाँ सिलाई करेंगे, और फिर हम इस पीस को इधर पलट देंगे। तो हम सिल लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिल लिया है। अब सिलने के बाद देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे पलटेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पहले हम इस पीस को कट कर लेते हैं। ये इधर एक्स्ट्रा जो है, इस पीस को कट कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से भी 1/2 इंच कट करेंगे नीचे से।
ताकि ये खुलने के बाद जो ये हमारा थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा यहाँ से आया हुआ है वो भी शेप में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे से फिनिशिंग से कट कर लिया है, इनको हम बाद में काटेंगे। तो जो ये हमारा सेंटर का निशान है, हम इसको इस सिलाई से यहाँ से मिलाएंगे। तो ये हमारा यहाँ मिल गया है, तो हम यहाँ पहले पिनअप कर लेते हैं और पिनअप करने के बाद हम इसको सिल लेते हैं। तो हम यहाँ से सिलाई मार लेंगे और जो ये हमारे जो एक्स्ट्रा कोने निकलेंगे इसको हम बाद में कट करेंगे, तो हम सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ सिल गया है। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर देंगे और फिर हम इसको नीचे सिलेंगे। तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जितना भी हमारा इधर इधर ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सुंदर सा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे सुंदर डिज़ाइन बनाते रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।